नमस्कार व्यूवर्स, यदि आपकी उम्र 21 से 25 साल की है तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताना चाहता हूं जिन टिप्स से आप किसी भी बिजनेस करेंगे, चाहे कोई भी बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस में आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी बिजनेस कीजिए, बिजनेस एक नहीं हजारों हो सकते हैं, मगर बिजनेस की टिप्स ज्यादातर मिलती जुलती होती हैं और उन टिप्स को सुन करके, पढ़ करके, देख करके, समझ करके आप अपने भविष्य की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। हर बिजनेस में कैपिटल की आवश्यकता होती है, जिसको पूंजी बोलते हैं आप। उस पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, लागत की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है, वेल्थ की आवश्यकता होती है। एक नहीं हजारों नाम है इसके। बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं होता है। यदि आपको कोई कहता है कि बिना पैसे के बिजनेस होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि 99% बिजनेस नहीं होते। हाँ, 0.1% बिजनेस या 1% बिजनेस हो सकते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के भी हो सकते हैं, मगर उसमें भी कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूंजी का रोल जरूर होता है। आपकी पूंजी नहीं लगी हो, किसी और की लग गई होगी, होता है ऐसा। तो आपको एक तो कैपिटल का ध्यान रखना है। कैपिटल के लिए करना क्या पड़ता है आपको? कैपिटल वैसे ही नहीं आएगी। यदि आपके पिताजी ने पैसा लगाया है आपके बिजनेस में, तो आप उसको अपनी कैपिटल मानते हैं, तो मैं कहता हूं गलत कर रहे हैं आप। वो आपके पिताजी की पैसे हैं, आपने उस कैपिटल को काम में ले सकते हैं आप, मगर मैं कहूंगा उसे आप एज ए सेक्योर्ड लोन मानिए अपना। वो आपके पिताजी ने दिया आपको, वो आपको रिफंड करना है। और वो रिफंड कैसे करना है? जो ही आपका प्रॉफिट आए, धीरे धीरे, जैसे आपने एक अच्छी बैंक से लोन लिया है, वैसे आप उस लोन को चुकाइएगा धीरे धीरे। चाहे वो आपके पिताजी का है, चाहे आपके किसी रिश्तेदार का है, चाहे आपके घर वालों ने किसी ने दिया है, या चाहे आप मान लीजिए छोटी उम्र के हैं और आपकी मैडम ने आपको दिया है, तो उस पैसे को भी आपको निश्चित रूप से लौटाना है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। अब लौटाएंगे कैसे? बिजनेस आप जो शुरू करेंगे, या बिजनेस आपने शुरू नहीं किया तो आप अपनी पॉकेट मनी में से बचाइए। कैसे भी कीजिए, आप साइड बिजनेस कीजिए। आप मान लीजिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटी उम्र के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी पॉकेट मनी से बचाइए। और पॉकेट मनी के साथ साथ आप और काम कर सकते हैं। वो एक चुटकुला है, एक अध्यापक महोदय थे, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ूंगा। तो साथ ही अध्यापक ने कहा, अरे भाई प्रधानमंत्री का चुनाव कोई छोटी बात होती है क्या? आपको पता है कितना खर्चा लगता है? तो बोले खर्चा लगता है तो मैं कमाता भी तो हूँ। तो बोले इतने से क्या होगा? तो बोले इसके साथ में मैं 2 ट्यूशन भी तो करूँगा। तो आप भी अपनी जो बचत है उसके साथ साथ कोई ट्यूशन वगैरह, कोई और काम करके, कैसे भी पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं, यदि धंधा करना है आपको, बिजनेस करना है। इसके बाद में मैं कहूँगा, आपको नॉलेज नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का, किसी भी बिजनेस का, तो नॉलेज गोट कीजिए। अब नॉलेज गोट करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? सपोज कीजिए आपके फादर की दुकान है, कोई भी बिजनेस है आपके फादर का, और वही बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो पढ़ाई करते वक्त, या आप मान लीजिए कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त आप उसमें 1-2 घंटे का टाइम दीजिए, उस बिजनेस में टाइम दीजिए, यदि आप वही बिजनेस करना चाहते हैं। और उस टाइम की आप जो जो टाइम देंगे, आपका नॉलेज पुष्ट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जब आप बिजनेस वो शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। और यदि ऐसा भी नहीं होता है, तो आप यदि कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उससे पहले किसी जगह आप सर्विस कर लीजिए। सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए, कई बार क्या होता है, आदमी को शर्म आती है, मैं भले घर का हूँ, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, नौकरी करने की कौन कह रहा है? मैं आपको नौकरी की नहीं कह रहा हूँ। आप मान लीजिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, आपके रिलेटिव होंगे, रिश्तेदार होंगे, संबंधी होंगे, जीजाजी, ताऊजी, चाचाजी, जो भी आपके रिलेशन में हैं, वो यदि वो बिजनेस करते हैं, तो आप उन्हें कहिए कि मैं 3 महीने के लिए आपके यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ।
मुझे आपकी कोई सर्विस नहीं करनी है, मैं आपके एज ए कर्मचारी रहूंगा, मगर मुझे आपका बिजनेस सीखना है और आपको सिखाना चाहिए मुझे। अब बोलिए आप क्या कहते हैं। और यदि वो हाँ भर लेते हैं तो आप 3-4 महीने वो बिजनेस का पैटर्न सीख जाएंगे। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत से जी मत घबराइए, जी मत चुराइए। देखिए कोई भी बिजनेस आप करेंगे उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत भी बिजनेस में कितनी करनी पड़ती है ये भी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ। नए बिजनेस में आपको 16 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी नया बिजनेस कर लीजिए। 1 साल तक उसमें आप 16 घंटे टाइम देंगे तभी आप उसमें सफल होंगे। दूसरी साल भले ही आप 12 घंटे कर देवें और तीसरी साल 8 घंटे नहीं 6 घंटे ही कर देवें, क्योंकि अब तक सारा मैनेजमेंट जच गया है, आपका सारा काम जच गया है। 3 साल में आपका रिटर्न इनपुट आउटपुट भी आने लग गया, तो ऐसी स्थिति में 3 साल बाद में आप यदि उस बिजनेस में 6 घंटे भी टाइम देंगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि आपने अब मैनेज कर लिया सब कुछ। मगर शुरुआत में यदि आप ये सोचते हैं और वो जो मैनेज आपने अब 3 साल बाद में किया है वो सारा काम आप पहले जचा के तैयार कर देते हैं, तो अब आपकी कैपिटल तो उसमें लग गई, बिजनेस में कहाँ से आएगा। या यूँ कह सकते हैं आपके खर्चे बढ़ गए, तो ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए। चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत और अभी कर लीजिए, ताकि बेल आइकॉन दबा करके आप हमेशा नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। नमस्कार।